तो हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो पे। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं BAMS से जुड़ी हुई कुछ गलत अफवाह के बारे में, जो मेडिकल स्टूडेंट्स को जब पता चलता है तो वो एकदम से घबरा जाते हैं, क्योंकि वो BAMS में एडमिशन लेने वाले रहते हैं तो उनको लगता है ये मेरे से हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। तो आज BAMS से जुड़ी हुई जो गलत अफवाहें हैं उन सभी डाउट्स को आज अपन लोग क्लियर करेंगे, क्या सही है क्या गलत है, चलिए बात करते हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो गलत अफवाह है वो ये है कि BAMS का जो कोर्स होता है इसमें संस्कृत का जो लैंग्वेज है, संस्कृत लैंग्वेज, इसके ऊपर आपका सबसे ज़्यादा कमांड होना चाहिए, तभी आप इस कोर्स को कम्प्लीट कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है। इसमें आपको इस कोर्स को करने के लिए संस्कृत का जस्ट नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज, तब आप आराम से इस कोर्स को कम्प्लीट कर सकते हैं। दूसरा जो गलत अफवाह है वो ये है कि BAMS जो कोर्स होता है इसका कोई आधार नहीं है। मॉडर्न साइंस वाले कहते हैं BAMS का कोई आधार नहीं है, तो अपन उनको कहना चाहते हैं कि एलोपैथ जो है वो 100-200 साल पुराना है और जो आयुर्वेदा है वो हज़ारों साल पुराना है, और लोग आयुर्वेद से पहले भी ठीक होते थे और आज भी ठीक होते हैं। एलोपैथिक मेडिसिन खा के साइड इफ़ेक्ट झेलने के बाद पेशेंट आयुर्वेदिक क्लिनिक में और होम्योपैथिक क्लिनिक्स पे आते हैं और उनको हम लोग ही ठीक करते हैं, और यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो हमारे क्लिनिक में आए हैं। एलोपैथिक मेडिसिन खा के उनके पेट का सत्यानाश हो जाता है और इतने सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं, स्किन वाले पेशेंट्स भी बहुत सारे आते हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। अब तीसरा जो गलत धारणा है वो ये है कि BAMS का जो सिलेबस है और एग्ज़ाम लिखने का जो पैटर्न है वो केवल हिंदी में है, आपको हिंदी में एग्ज़ाम लिखना है, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आपको इंग्लिश अच्छा आता है तो ऑल ओवर इंडिया में आप आराम से BAMS का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। आपको जो पेपर है उसको आपको इंग्लिश में ही देना है और एक अच्छा मार्क आप स्कोर कर सकते हैं। चौथा जो आता है गलत जो अफवाह फैला हुआ है वो ये है BAMS को लेके कि BAMS का जो सिलेबस होता है इसमें मतलब मॉडर्न साइंस रिलेटेड कुछ बात नहीं है, इसमें तब भी BAMS वाले एलोपैथी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक। तो इस चीज़ को भी अपन डाउट को क्लियर कर देते हैं कि BAMS का जो सिलेबस है उसमें आयुर्वेद भी है और मॉडर्न भी है, दोनों इंक्लूड है 50-50%। मॉडर्न साइंस में सर्जरी है, ENT है, टॉक्सिकोलॉजी है, फॉरेंसिक है, पैथोलॉजी है और कम्युनिटी मेडिसिन है। तो जो लोग गलत अफवाह फैलाते हैं उनको अपन सीधा सीधा बोलना चाहते हैं कि BAMS का जो सिलेबस है, सबसे पहले आप जाके BAMS के सिलेबस को देखिए, और गवर्नमेंट के साइड से जो कम्युनिटी मेडिसिन का जो सर्टिफिकेट होता है, वैसे तो गवर्नमेंट को वो सर्टिफिकेट भी नहीं करवाना चाहिए, BAMS का सिलेबस ही काफ़ी है एलोपैथी मेडिसिन देने के लिए इमरजेंसी में। तो BAMS से जुड़ी हुई यही सब जो गलत अफवाहें हैं आज के अपन इस वीडियो में क्लियर कर दी हैं आपको। और अगर आप BAMS में एडमिशन लेना चाहते हैं तो गलत अफवाहों में आप ध्यान ना दें, ये सब गलत धारणाएं हैं आपको सुनने के लिए मिलते रहती हैं। आप आराम से BAMS में एडमिशन लीजिए एक अच्छे कॉलेज में और अच्छे से आयुर्वेदिक मेडिसिन का पढ़ाई कीजिए, और इमरजेंसी के लिए एलोपैथी मेडिसिन का आपको जानकारी होना चाहिए, जिससे आप पेशेंट्स का जान अच्छे से, मतलब सीरियस अगर कंडीशन है तो आप बचा सकें। तो आज के वीडियो को बनाने का मेन पर्पज़ यही था कि BAMS से जुड़ी हुई जो गलत अफवाहें हैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा अवगत कराया जाए, क्या गलत है और क्या सही है। तो आज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इस तरीके की अगर और भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में इंस्टा का लिंक है, आप वहाँ फॉलो कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। थैंक यू।